नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैथमेटिक्स का हमने 15 से 16 वीडियो पहले से भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर होता है। और आज उसी क्रम में हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लेकर, कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको सिस्टम को समझाने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कैसे आते हैं। समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ आज का। मैं 5 से 6 क्वेश्चन दूंगा, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा ट्रिक से होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा, सारी चीजें उसमें होंगी। तो पहला क्वेश्चन एक्चुअली ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस वाइज है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सिचुएशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14। अगर दो नंबर का सम 14 है, ठीक है, अगर जैसे मान लिया एक्स प्लस वाई, मान लिया दो नंबर, हमेशा यही तो मानते हैं, तो वो आपका 14 दिया गया है। और सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एक्स माइनस वाई, अगर बात करें, अगर मान लिया जाए कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, तो आपसे बोला गया कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बन सकता है कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ, तो आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है तो सिंपल क्वेश्चन, आपसे पूछा कि एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अब एक बेसिक फार्मूला मैंने पिछले वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने ये बताया था कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की अगर बात की जाए, तो ये एक्चुअली एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy के बराबर होता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे समझ जाओगे, ये बहुत ही बेसिक लेवल का चीज है। तो अब इसमें क्या करते हैं, अब यहां से एक्स वाई की वैल्यू मिल रही है क्या, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको पहले से पता है। तो 14 का स्क्वायर, इस वाले टर्म को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 4, इसको आप कर देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसका आंसर दे दोगे, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम है। कहते हैं कि अगर ये इनका बोलना है कि सम ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस ऑफ दियर डिफरेंस, सम ऑफ टू नंबर मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दियर डिफरेंस, मतलब एक्स माइनस वाई, अगर ये आपका दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब इसमें कहा गया कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 10, अगर एक नंबर मान लेते हैं एक्स इक्वल टू अगर 10 दिया गया है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए कि ये 2x माइनस 2y हो जाएगा क्या, तो 2y को इस साइड लाइए तो 3y हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा 2x माइनस x, तो ये x हो जाएगा। x की वैल्यू 10 दिया है तो 3y इक्वल टू आपको कितना दे दिया, 10 दे दिया, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 10/3 आ गया। कुछ इस तरीके से आपके नंबर निकाले जा सकते हैं। तो ये होगा सेकंड नंबर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से वर्ड प्रॉब्लम है। तो इनका कहना है, सिचुएशन है कि टू नंबर्स आर सेड टू बी द इन रेशियो 3/5। अगर दो नंबर 3/5 रेशियो में है और दोनों में अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है, अगर दो नंबर है जैसे मान लिया यहाँ पे x और y है, तो दोनों में 9 सब्ट्रैक्ट करो तो x माइनस 9 वाई माइनस 9, ठीक है। तो अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो रेशियो बनता है वो आपका है 12/23। तो आपको बताना है x और y की वैल्यू, मतलब नंबर क्या होंगे। देखो, एक समझने वाली बात यह है कि हम निश्चित तौर पर एक्स वाई लेकर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव तो क्वेश्चन नहीं देना है, आपको शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू करना है। तो जब आपसे पूछा गया कि 3/5 में है, तो इसको आप 3x और 5x क्यों नहीं मान लेते। अगर 3x 5x यहाँ पे मान लेते हो तो आपका वेरिएबल जो होगा ना, तो वेरिएबल आपके पास केवल एक होगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए सिंपल पड़ जाएगा। अब 3x में 9 घटा दो, 5x में 9 घटा दो, तो आप क्या करते हैं, 3x माइनस 9 करते हैं अपॉन 5x माइनस 9 कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 12/23। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे 69x माइनस 9 इंटू 23 शुड बी इक्वल टू 60x, मतलब 12/5 कितना होता है 60 होता है, माइनस 12/9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको एक बार पहले। तो ये होता है तरीका इसको सॉल्व करने का। अब इसको मैं समझ लेता हूँ कि आपने सॉल्व किया होगा, तो x इक्वल टू 11 आ जाएगा। नंबर किसके फॉर्म में है, 3:5 के फॉर्म में है, तो एक नंबर आपका 33 हो जाएगा, एक नंबर आपका 55 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात, इसका लैंग्वेज समझ पाना थोड़ा सा टफ होता है, बेसिक मैथमेटिक्स के केस में आपको इसको समझना। ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना लग गए ना आप फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सॉल्व करने लग गए, तो आपकी मैथ अच्छी है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा गया कि अब वाई वाज आस्क टू फाइंड 7/9 ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का 7/9 आपको निकालना था। तो आपको मान लिया वो फ्रैक्शन एक्स था, तो एक्स ऑफ 7/9, सॉरी आप कहोगे 7/9 ऑफ एक्स, यहाँ पे आपका लैंग्वेज देखिए यही होता है, इसको आपको आसानी से समझ में नहीं आता, आप क्या लिखोगे 7/9 ऑफ एक्स, ये आपको निकालना था। लेकिन उस बंदे ने गलती किया कि ही मेड अ मिस्टेक ऑफ डिवाइडिंग द फ्रैक्शन बाय 7/9। उसने जो फ्रैक्शन एक्स था, एक्स आपका एक रेशनल नंबर है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगी, ये 2/3 भी हो सकता है या फिर जो भी आंसर आएगा 7/9 भी हो सकता है, कोई भी मतलब फ्रैक्शन जिसको एक्स बाई सॉरी जिसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक्स जो है उसने क्या किया, एक्स में डिवाइड कर दिया किसको, 7/9 को। अब करना था उसको, ये कर दिया इसने, ये तो ये वाली जो संख्या है ये उससे बड़ी हो गई, पिछले वाली संख्या से बड़ी हो गई। देखिएगा यहां ध्यान से मैं क्या लिखता हूं, एक्स अपॉन 7/9 ये इक्वल टू जो आपका 7/9 ऑफ एक्स है उससे थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो मतलब प्लस, इसका वेटेज ज्यादा रहेगा, कितना ज्यादा हो गया 8/21। जब आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 8/21 बड़ा हो गया कब, जब इसको हमने डिवाइड किया, मतलब मिस्टेक किया और मिस्टेक नहीं किया, सही लिखा, तो उन दोनों का अंतर यहां पे दिया गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू 9/7 माइनस इक्वल इसको इस साइड लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7/9 टाइम्स ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इक्वल टू 8/21। अब तो आसान हो गया आपके लिए, एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बचेगा 9/7 माइनस 7/9 इक्वल टू 8/21। अब ये तो सिंपल हो गया, ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम ही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है,
अगर आपको समझ में आता है, ये काफी लेंदी जाने वाला था, ठीक है, अगर इसको शॉर्टकट में नहीं करें तो काफी लेंदी जाएगा और समझ में आना भी मुश्किल है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द न्यूमिरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 12% एंड इट्स डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 2%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम 6/7। मान लिया अंतर्यामी तो मान ही लो x बाय वाई है, सो हमने मान लिया कि x बाय वाई कोई फ्रैक्शन है। अब इसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। तो अब न्यूमिरेटर में कह रहा है कि 12% जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए और अगर 2% जो है डिनोमिनेटर में डिक्रीज कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो आपका 6/7 बन जाता है। तो पहली बात ये बात बताइए, कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है, तो 100% में 12% और जोड़ दो तो 112% ऑफ एक्स अपॉन 2% कम करने का मतलब हुआ कि 100 में दो नंबर कम, तो 98% ऑफ वाई। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपका 6/7 के बराबर आता है। तो आपसे बोला कि भैया x बाई वाई की वैल्यू, वो फ्रैक्शन क्या होगा ये वैल्यू आपको बतानी है। एक बात बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोने में समझूं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर 10% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, मतलब हर 100 में 10, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपको अगर मुझे 100 रुपया का कहीं से मेरा जुगाड़ बैठा तो 100 रुपया मैं तुमको 10% दूंगा, ठीक है, मेरा पैसा खो गया है, 10% मेरा पैसा आप अगर पा जाते हो तो आप मुझे दे दो तो मैं 10% आपको दे दूंगा। तो सीधी सी बात है कि 100 रुपया में 10 रुपया, ठीक है, इसी को कहते हैं 10%, मतलब हर 100 में। सेम यही बात यहाँ पे भी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 112% लिखा हुआ है, 98% लिखा है, जिसका मतलब हुआ कि 112/100 होल बटा 98/100, तो क्यों ना हम परसेंट काट दे, ऊपर से परसेंट नीचे से परसेंट कट गया, चले गए अपने घर। अब यहाँ पे 112 और 98 यहाँ पे एक फ्रैक्शन के तौर पे लिखा है, क्यों ना हम उसको इक्वल के दूसरे साइड भेज दें, तराजू के दाहिने तरफ भेज दें। तो होगा क्या कि x अपॉन वाई जो है वो वैसे लिखा रहेगा, 98 ऊपर जाएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 112 आपका 7 के साथ फिट हो जाएगा, तो 6 × 98 / 7 × 112। तो भैया कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम था, प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है, और फिर भी आपके मैथ्स के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको नहीं समझाता अगर आप उसे कंसर्न करते हो तो मैं इसको जरूर आपको समझाऊंगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम सभा को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।